हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाएंगे पूड़ी और इसे हम बहुत ही सिंपल से ट्रिक के साथ बहुत ही फूली फूली पूड़ियाँ बनाने वाले हैं। तो इन पूड़ियों को आप खा सकते हैं आलू की सब्जी के साथ या अपनी पसंद की किसी भी सब्जी के साथ। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप आटा लिया है, आधा छोटा चम्मच नमक और 2 चम्मच मैंने इसमें ऑयल डाल लिया है। अब हम हाथ से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो नमक ना डालें, पर नमक से पूड़ियों में स्वाद जो है बहुत ही अच्छा आता है। तो ये देखिए, इस तरह से हमें हाथ से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो इसमें हम एक बार में ज्यादा पानी ना डालें, तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसे हम गूंथ करके तैयार करेंगे। जैसे हम रोटी या पराठे के लिए आटा गूंथते हैं, तो उसी से थोड़ा सा ज्यादा सख्त हम इसका आटा रखेंगे, पर बहुत ज्यादा सख्त आप इसे ना गूंथें। तो ये इस तरह से हमें इसे मसलते हुए अच्छी तरह से गूंथ लेना है, जिससे कि हमारी पूड़ियाँ जो है वो बहुत ही अच्छी बन के तैयार होगी। आप देख सकते हैं, हमने आटे को पूरी चिकना होने तक कर इसे अच्छी तरह से गूंथ लिया है। तो ये देख सकते हैं आप। तो इसे हम 15 मिनट के लिए ढककर रेस्ट करने रखेंगे। अब हम आटे से थोड़ा पोर्शन तोड़ के ले लेते हैं और इसकी लोई बना लेंगे। और इस लोई में हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और ये इस तरह से हम इसे बेल लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हम इसे बेलेंगे। तो ये उसे उठाएंगे और फिर से रखेंगे और बेल लेंगे। इसी तरह से हम सारी पूड़ियों को बेल करके तैयार करेंगे। पूड़ियों को फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और इसमें हम पूड़ी डालेंगे। और अब हम फ्लेम को मीडियम पे कर देंगे। इसे हम हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि पूड़ियाँ जो है वो अच्छी तरह से फूल जाए। ये देखिए, इस तरह से ठंडे ऑयल में अगर आप पूड़ियों को तलेंगे तो पूड़ियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब करेगी। तो इसे मैंने पलट लिया है और इसे हम फिर से हल्का प्रेस कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से, ताकि पूड़ियों के साइड में जो है वो कच्चा ना रहे। ये हर तरह से इस तरह से अच्छी तरह से पक जाती है। तो इसी तरह से हमें सारी पूड़ियों को बना लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये पूड़ी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी नई रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय।